नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि यूपी एकेडमी को आप स्वयं सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से भी यूपी एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वे लोग भी यूपी एकेडमी की शैक्षिक सामग्री का लाभ ले सकें। वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। इसी के साथ सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, मैं लाल सर आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड भोजन के घटक के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। यदि आप टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी के प्रत्येक विषय को पढ़ना सीखो, क्योंकि जितने प्रश्न बनाए जाते हैं वे ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी की बुक्स से ही होते हैं। आओ आज के सेशन की ओर चलते हैं। भोजन के घटक, भोजन के पांच मुख्य घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पोषक या पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। एक ही बात है, भोजन के पांच मुख्य घटक होते हैं। इन पांच घटकों को पोषक कहते हैं। ये पांच पोषक तत्व कौन है? जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और ये खनिज, ये आपके पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के अतिरिक्त अन्य घटक कौन कौन है? एडिशनल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, रुचांश, जिसको हम रफेज या आहार रेशे कहते हैं, यानी डाइट्री फाइबर, और सेकेंड है जल यानी वाटर। तो दो भोजन के दो अतिरिक्त घटक हैं, डाइट्री फाइबर्स या रफेज इसको कहते हैं, सेकेंड पे है वाटर यानी जल। कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, जैसे आलू, गन्ना। मेरे कहने का मतलब है कि वे भोजन जिसमें स्टार्च पाया जाता है या शुगर पाया जाता है, वे सभी भोजन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट, यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। अब प्रश्न उठता है कि कार्बोहाइड्रेट का रोल हमारे शरीर के लिए क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मंड तथा शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। कैसे? आप आलू खाते हैं, शुगर केन यानी गन्ना का यूज करते हैं, गुड़ खाते हैं, चावल खाते हैं, इन सभी भोज्य पदार्थों में मंड और शर्करा दोनों पाया जाता है।
ये हमारे शरीर में एकत्रित होते हैं, इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। तो अर्थात कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य भूमिका है कार्य करने की क्षमता यानी ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट है या पोषक तत्व है। तो आपको ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है मंड यानी स्टार्च। मंड कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। यह मंड आलू चावल एवं अनाजों में पाए जाते हैं। वसा यानी फैट्स, वसा तेल युक्त भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे घी, घी में क्या होता है? वसा होता है। तेल वसा होता है। नारियल में वसा होता है। मछली में वसा होता है। मांस में वसा होता है। ये सभी वसा युक्त भोजन इसलिए है क्योंकि ये तेल युक्त भोजन है। नेक्स्ट खनिज यानी मिनरल्स, इसको हिंदी में खनिज लवण भी कहते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जैसे कैल्शियम, आयोडीन एवं लोहा आदि। आहार रेशे डाइट्री फाइबर्स। आहार रेशे को रुक्षांश भी कहते हैं। जैसे सभी अनाज, दाल, आलू, ताजे फल एवं छिलकेदार फल तथा सब्जियां आदि, ये सभी के सभी उदाहरण आहार रेशे के। रुक्षांश यानी रफे, फलों अनाजों सब्जियों एवं रुक्षांश रफेज फलों अनाजों सब्जियों आदि भोज्य पदार्थों के छिलकों में एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जिन्हें रुक्षांश कहते हैं। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड फूड। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, रुक्षांश एवं जल पर्याप्त मात्रा में हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व, रुक्षांश एवं जल का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। मोटापा ओबेसिटी, वसा से भरपूर चर्बी युक्त भोजन ग्रहण करने के कारण हम लोगों का शरीर अत्यधिक भार युक्त बेडौल हो जाता है जिसे मोटापा कहते हैं। दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, वसा तेल युक्त चर्बी युक्त जो भोजन हम लोग दिन प्रतिदिन करते हैं उसके कारण हमारा पेट अधिक निकल जाता है, हमारा शरीर अत्यधिक मोटा हो जाता है। इसी क्रिया को विज्ञान की भाषा में ओबेसिटी यानी मोटापा कहा गया है। अभाव जन्य रोग डिफिशियंसी डिसीज, वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाते हैं वे अभाव जन्य रोग कहलाते हैं। जैसे स्कर्वी रोग, रतौंधि, बेरी बेरी आदि। विटामिन, विटामिन क्या है? विटामिन विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें बचाते हैं एवं हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के आदि। कहने का मतलब है सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों कि विटामिन की भूमिका एक मानव
और पशु पक्षियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। यदि आपके शरीर में, आपके बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो उस विटामिन से संबंधित रोग होना तय है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रतौंधी हो जाएगी, विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी बेरी। इस टॉपिक को यानी विटामिन टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। आप सभी लोगों को जय हिंद, लाल सरकार, लाल सलाम, आपके नाम।